दुल्हन को अगर इस तरह नोजपिन पहनाई जाती ना तो मेरे बाप की तौबा, ऐसे 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 मैं चाहती हूँ कोई भी दुल्हन भूखी ना रहे। सही है, बड़ा बड़ा मुंह खोल के खा ले, लेकिन खाए अगर वो नहीं खाएगी वो बीमार हो जाएगी ना, थक जाती है दुल्हन। वेलकम बैक टू माई अनदर यूट्यूब व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कल व्लॉग बनाने का, और आज मेरा ब्राइडल मेकअप होगा क्योंकि आज मेरा निकाह है यार। एक तो मैं आप लोगों के साथ कुछ वो नहीं कर सकती, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रैंक भी नहीं कर सकते आप लोगों के साथ। आप लोग भी सीरियस रहते, फिर पता लगे मेरी जब सच में शादी होगी तब तो आप लोग उसको भी प्रैंक ही समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कह रहे हैं आप, सारी बातें करने लगे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या देख रहे हैं आप, डुड्डू जैसी आंखें हैं आपकी, माशाल्लाह से डुड्डू जैसी आंखें। टाटा, आज रो, आई लव यू। रोगे तो नहीं ना, मैं जा रही हूँ आज अक्का दुल्हन बनने। बाय बिट्टू। क्या तुम्हारी करेंगे पहले हम। अस्सलाम वालेकुम। चलो तो गाइस आप लोगों को बताऊं, मैं हेरा के सैलून आई हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट टाइम मेरा ब्राइडल शूट है, मतलब इससे पहले मेरा कभी ब्राइडल शूट नहीं हुआ, लेकिन आज हेरा ने बोला कि वो मुझे बिल्कुल चेंज कर देगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट दुबले होने के बाद फर्स्ट, इससे पहले वो भी ब्राइडल शूट नहीं था, नॉर्मल शूट था, तो फर्स्ट मेरा ब्राइडल शूट है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं हेरा के हाथ में क्या जादू है। चलो ठीक है, तो मेरा मेकअप स्टार्ट होने जा रहा है और पता नहीं मैं आज कैसी ब्राइडल लगूंगी। जो मेरा दूल्हा होगा वो मुझे देख के खुश होगा या नहीं होगा ये तो मेरे तैयार होने के बाद ही पता लगेगा। मेकअप डन हो गया, लेकिन हमारे हेयर डू के बाद फाइनल लुक आएगा। बट आई एम लुकिंग टू ब्यूटिफुल, वो तो मैं हूँ, वो तो मुझे पता है, पता अब मैं हूँ ना प्यारी गाइस हूँ ना। चलो तो जवाब क्यों नहीं दे रहे, इतना स्लो जवाब यार, अच्छा एनर्जी के साथ देना था। बहुत कशिश, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, ब्राइड बन के। मेरा फर्स्ट एवर ब्राइड शूट है ये मेरा। तो क्या फील हो रहा है आपको? मैं चाहती हूँ कोई भी दुल्हन भूखी ना रहे। सही है, बड़ा बड़ा मुंह खोल के खा ले, लेकिन खाए अगर वो नहीं खाएगी वो बीमार हो जाएगी ना, थक जाती है दुल्हन। अब जो गाइस मैंने पतलापन करके अपनी ब्यूटी बोन्स जो निकाली थी, फिर उसको इनहेंस कर रही है ताकि वो नहीं चाह रही कि वो वेस्ट जाए ना। हाँ, exactly. तो अभी मेरी ब्यूटी बोन्स जो है ना वो इनहेंस कर दो फाउंडेशन। वैसे भी आप लोग परेशान नहीं हो ना, मेकअप भी मैं यहीं से रिमूव करवा के जाऊंगी और हेयर डू भी और मेरा हेड वॉश भी कराना और ब्लो ड्राई भी करना, क्योंकि मैं ऐसे तो यहाँ से नहीं जा सकती। दूल्हा तो है नहीं, इसके लिए मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। अब आप ना मैं इतनी सारी टिकटॉक्स बनाना, 100 तो बनाना ठीक है, बाद में अपलोड करूँगी रमजान से पहले पहले। कह रही हूँ जब मैं आई थी ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, तो वो कह रही थी ना कि आप टीवी पे अलग दिखती है और ऐसे आप खामोश हैं, तो इसलिए ऑफ था क्योंकि कभी कभी होता है इंसान की लाइफ में इंसान थोड़ा बुरा हो रहा होता है तो इसलिए मूड ऑफ होता है। लेकिन जब हेरा आई तो हेरा से बातें स्टार्ट करी, फिर उसके बाद मेरा मूड आहिस्ता आहिस्ता सही होना स्टार्ट हुआ,
फिर एकदम मेरे अंदर करंट आ गया जब मैं तैयार हो गई। अब मेरा मूड इतना अच्छा हो गया कि अभी तुम लोग भी हैरान हो रहे हो ना मुझे देख के, मैं खुद को अच्छी लग रही हूँ। मैं ओरिजिनल ऐसी हूँ, उस वक्त तुम लोग भी तो दुल्हन को अगर इस तरह नोज़पिन पहनाई जाती ना तो मेरे बाप की तौबा, ऐसे ऐसे ऐसे। गाइस आप लोग माशाल्लाह जरूर लिखिएगा कमेंट में, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार ना हो जाए। वैसे मैं इतनी प्यारी लग रही, मुझे नज़र लगेगी कभी नज़र मुझे ऐसे लगी तो नहीं होगी, इतनी खूबसूरत तो मैं नहीं हूँ। आज तुम्हारी ब्यूटी इनहेंस हो गई है ना, क्या कर रही मुझे दे दो, मैं उंगली दाल के अंदर से पहन लूँ। अब मैं दुल्हन में ऐसे रेडी हूँ, दुपट्टा नहीं कराना। फाइनली कट कर दे, आउच बेटा आउगी वीडियो में, कट वट नहीं होगा। जब मैं बोलती हूँ तो मैं गई हूँ ना भाई, मुझे खालिद भाई दिखे नहीं है। पहले क्लिनजिंग फिर हेड वॉश कराएगा, क्योंकि बाल क्लिनजिंग क्योंकि मुझे ब्लोड्राई करवाना है। तो गाइस मैं अपने शूट से निकल गई हूँ और मैं बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन मुझे वर्कआउट करना है क्योंकि वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, और वर्कआउट मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसलिए मैं मसल गेन कर रही हूँ, तो उसके लिए मेरा वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी वर्कआउट करने के लिए जाऊँगी, उसके बाद फिर घर जाऊँगी। आज सुबह से शूट में लगी हुई थी, हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी वर्कआउट कम करूँगी लेकिन करूँगी। तो गाइस कल मेरा ब्राइडल शूट हो गया था और मैं घर बहुत लेट आई थी, जो भी चली गई थी, लेकिन घर अब अस्सलामुअलैकुम। क्या नाश्ता कर रहे हैं आप लोग? कर लिया आपसे मैंने बात करी, से बात करना मुझसे, आप मेरे बीच के इंटरेस्ट की मार भूल गई, रात की मार भूल गई, मैं कोई नहीं पिटी थी, झूठी बोल रही, रात की मार भूल गई, कैसे चप्पलों से चप्पलों पे होती चप्पलें मुंह पे पड़ी, पार 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 पार, कल रात की मार भूल गई लग रहा है। मैं आनी पराठा इधर दे दे। गाइस आप ही कल कमरे में इंटर हुई है, अम्मा ने इसको सामने आके अम्मा भोकती में आई, चप्पल उठाई ब्लू वाली गंदी, मुंह पे तार 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 तार, आप ही रुक जा मैं भी आ रही साथ जाऊंगी, मैं भी तमाशा देखूंगी क्या निकल गई ऊपर पानी। कसम खुदा की दो में जाने में, दो में बस, सिर्फ दो में, हम तो ऊपर से आ गए, एक ये और वो आप ही है, हम तो ऊपर से आए, ऊपर से टपक गए बिना फजूल के, भाई और मैं और फारिस भाई आनी कहीं बाहर चले, आपको ट्यूशन पढ़ने जाना है, मैं घर जाऊंगी ट्यूशन लाएगा, कुछ कह रहा है क्या हुआ, कह नहीं रहा आज के दिखाओ नहीं इसके जैसे मैं बिल्कुल हंसती हूँ, ऐसा नहीं जा रहा। कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेगा। मैं सुबह उठी, मैंने नाश्ता करा और मैं एंड कर रही हूँ आज का व्लॉग, जो है हम लोग सऊदीया जा रहे हैं उसके लिए शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग आपको मिल जाएगा, तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।